तो इन जनरल पब्लिक को कैसे समझा कि भाई जो हमारी प्राइवेसी है वो मैटर करती है हमारे लिए आई डोंट थिंक मार्केट अबाउट प्राइवेसी एट ऑल तो ब्लॉकचेन का जो मार्केट है वो थोड़ा ठंडा हो रखा है आपको क्या लगता है कि ये दोबारा से ऊपर कब जाएगा इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू जज इफ आई कुड प्रेडिक्ट दैट आई वुड बी वेरी रिच तो आपने पर्सनली कभी इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो वगैरह में तो सब्सटैशियल पोर्शन ऑफ माय आई इज इन क्रिप्टो तो आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हो किरत कॉइन कीरत कॉइन आ रहा है भाई खरीद लेना सब <laughs> तुमको बिटकॉइन में 12% दूंगा और उसके बाद जितना प्रॉफिट तुम बना रहे हो वो भी तुम्हारा

तो आज हम वेलकम करना चाहेंगे हरकीरत भाई का हरकीरत भाई वेलकम टू माई चैनल थैंक यू फॉर हैविंग मी बिग डिस्क्लेमर आई एम नो एक्सपर्ट बाई एनी मीन्स बट थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन हैप्पी टू बी है ओके नहीं भाई एक्सपर्ट हैं क्योंकि अभी ब्लॉक चेन को आए हुई काफ़ी कम टाइम हुआ है उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है uh, हरकीरत भाई एक बात जो मुझे याद आती है मैं जैसे आपको जाना था मेरे YouTube कमेंट सेक्शन में मतलब पाँच छः सात महीने पहले कमेंट भर गए थे कि रोहित ने कि दो करोड़ दो करोड़ हरकिरत सिंह चार करोड़ चार करोड़ <laughs> <laughs> वहाँ से मैंने आपको एक्सप्लोर किया इट <laughs> <Got it. laughs> तो वहां से मैंने आपको एक्सप्लोर किया आपका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इंप्रेसिव भी लगा तो जिस टाइप का आप कंटेंट क्रिएट करते हो टैक्स से रिलेटेड मतलब काफी डीप डाइव आप घुस जाते हो क्वेश्चन में जाने से पहले अभी आप कहाँ हो पहले मुझे जानना चाहता हूँ अभी आई एम इन टू आई एम हेयर फॉर सम क्रिप्टो स्टफ ओनली बट इट्स अ वेरी क्रिटी प्लेस लेट मी शो यू यूड

अभी नहीं, बाद में 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 मतलब कभी आप आप कोर्स लो तो 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 क्रिप्टो पेमेंट वगैरह ले रहे हो या फिर कीरत कोई लाइव कीरत स्ट्रीमिंग आ रहा है भाई खरीदेंगे सब। <laughs> <laughs> तो I think सभी खरी तो ब्रो जो मेरा एक जनरल क्वेश्चन है हुँ. कि पहले ऑडियंस को थोड़ा बता देते, देते हैं कि आपसे जानना चाहता हूँ क्या अगर आप एक इन डिटेल अगर आप बता सकते हो तो ब्लॉक चेन स्टार्ट जब हुआ था इट वॉज फॉर कम्प्लीटली डिफरेंट रीज़न टू डेट समथिंग एल्स वेन इट स्टार्टेड द रीज़न वॉज के आई थिंक तुम्हें पता ही होगा कि बिटकॉइन आया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो गई थी एंड मनी प्रिंटिंग नहीं हुई थी उस टाइम hmm. पे गवर्नमेंट्स बिल्ड आउट बैंक्स तो एक तरीका से hmm. ये था जिससे अलॉट ऑफ पीपल मैं फिर बहुत टेक्निकल जा रहा हूँ मैं सिंपल समझाता हूँ मनी पैसा कैश जो होता है हमारे पास इस ये एक बंदे के पास पावर है इसको प्रिंट करने की विच इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ एक्चुअली हैंडफुल ऑफ वेरी सॉर्ट ऑफ पीपल हु हैव लॉट ऑफ पावर कभी ओपनली दिखता नहीं है कि कितना प्रिंट हुआ है कितना बर्न हुआ है कहाँ रिश्वत जा रही है कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा है बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से द इनिशियल मोटिवेशन टू बिल्ड बिटकॉइन वॉज कि एक ओपन लेजर बनाओ एक ओपन बैंक बनाओ जिसको कोई भी पब्लिकली देख पाए और पढ़ पाए कि पैसा कहाँ से कहाँ गया किसने कमाया किसने बनाया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर पैसा नया बन रहा है अगर नया पैसा प्रिंट हो रहा है तो सब उसको ट्रैक कर पाएँ और उसको रिप्रमेंट कर पाएँ अगर वो गलत हो रहा है तो या फिर एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स हो इसको टेक्निकली क्लियर करना बहुत मुश्किल है बिकॉज हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बैंक्स आर यूजली सेंट्रलाइज्ड विच मीन्स दे हैव सर्वर समवेयर तो ब्लॉक चेन इज़ इफेक्टिवली वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टेक्निकली बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाना है दैट एनी वन कैन बिकम अ बैंक और लाइक अ पार्ट ऑफ अ बैंक सो so दैट किसी भी एक बंद पे पावर न रहे एंड हु एवर इज प्रिंटिंग मनी हु एवर इज टेकिंग मनी वट एवर मनी इज बिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर देर इज अ ओपन लेजर फॉर इट दट वॉज द इनिशियल मोटिवेशन टूडे इट बिकेम समथिंग एस दर आर थाउजेंस ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज एंड थाउजेंस ऑफ ब्लॉक चेंज ब इनिशियल पर्पज इट वॉज बिल्टअअप विदेस काफी बच्चों को ओपन लेजर का मतलब समझ नहीं आएगा तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन ओपन लेजर इज बेसिकली एक ओपन डेटा बेस या फिर एन ओपन गूगल डॉक जिसपे सारी ट्रांजेक्शन शुरू से लेकर अंत तक लिखी हुई है, हैं जो सब लोग पढ़ सकते हैं ओके ओके मतलब एक टाइप से वो कह रहे हैं कि एक वही खाता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जहाँ पे सब कुछ नोट है कि किसने किसको पैसा दिया है किसने किसको दिया वो सब रहता है तो काफ़ी लोगों के जो आरोप रहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कि ये सिर्फ मनी बेस्ड ही है क्या इसकी और कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ हम मनी के लिए ब्लॉक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं सी 90% परसेंट ऑफ पीपल हुआ इन क्रिप्टो आर इन इट फॉर द मनी तो ऐसा है ज़रूर कि हाँ बिकॉज एक सबको दिखा कि एक एसेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है ट्रेडिशनल एसेट्स को पीछे छोड़ रहा है बीट गोल्ड रियल स्टेट बिटकॉइन एकदम से उपर जा रहा है तो लॉट ऑफ मार्केटिंग पीपल कह लो स्कैमिंग पीपल कह लो लॉट ऑफ पीपल गॉरंट द स्पेस एज अ सेट इनिशियल मोटिवेशन वर रियली गुड एंड आई थिंक आज नहीं तो कल बिटकॉइन जिस परपज से बना था तो वो वापस अब होगा करंसीज एट सम पॉइंट विल गेट डिस्ट्रॉड एंड वैन दैट हेपन्स यू विल नीड एन आल्टरनेट टू अ करेंसी अगर मान लो आज की डेट में यू एस डॉलर ना हो आई ना हो ये करेंसीज ना हो देन वॉट विल यू डू हाउ विल वी टेक सर्विसज फ्राम सम वन बाय समथिंग वी कांट गो बैक टू द बाटर सिस्टम वी कांट यूज गोल्ड जो बीच में आया था hmm. तो इट इज़ अ वे टू रिप्लेस करेंसी एट सम पॉइंट एंड दैट वॉज द मोटिवेशन इट वज बिल्ड विद श्योर बहुत दुनिया भर के स्कैम है तो बहुत बच के रहो स्पेस में आ रहे हो तो एक बार पैसा डूबता ही है मतलब दैट इज हाउ यू लर्न बिकॉज यू गेट स्कैम्ड समवेयर तो बी वेरी केयरफुल वेन दिस स्पेस तो आपने स्कैम की इतनी बात करी तो आपने पर्सनली कभी इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो वगैरह में मैं वो जानना चाहता हूँ हाँ, तो वो वाली नहीं आपको आपको जो कंपनी आपको से मिले हो जो आपने पर्सनल की ओके uh, okay. मतलब आपको काफ़ी बिलीव है कि क्रिप्टो फटेगा अब जो एक जनरल ट्रेंड होता है मतलब एक जो जनरल बातें होती हैं कि जब भी कोई मनी होती है तो उसे बैक किया जाता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें बताते है कि हाँ ये इस मनी को हम बैक कर रहे हैं आप इसको ले सकते हैं लेकिन जो हमारा बिटकॉइन है अगर मैं मीथिरियम भी बात करूँ उनको कुछ कंपनीज से हैं सेट ऑफ कंपनी जो उनको बैक करती है कि हम इनके ऊपर मानते हैं हम इनके ट्रांजेक्शन लेंगे लेकिन काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो बीच बीच में आई थी जो ऊपर गई फिर एकदम से मतलब तो रातों रात पैसा बनाया गायब हो गई तो ऐसी जो क्रिप्टो करेंसी उनसे बचा कैसे जाए पता कैसे चले कि यार ये वाला लेजिट है ये थोड़ा इलीगल है इसका पता कैसे चलेगा आई थिंक एज अ बिगिनर यू शुड जस्ट अगर तुम्हें करना ही है इन्वेस्ट वैसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है बट अगर करना ही है तो बिटकॉइन एंड बिटकोरियम आर वेरी सेफ दे अगर तुम्हें कह के आई वॉन्ट सम अपसाइड इन दिस अगर क्रिप्टो कल को फटता है या फिर यू नो आई वॉन्ट टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन वट एव आर द स्टैंडर्ड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो तो बिटकॉन uh, एथीरियम में डाल दो यहाँ तुम स्कैम नहीं हो गए और यहाँ अगर तुम स्कैम हो गए अगर बिटकॉइन एथीरियम में जीरो पर चला गया तो इंडस्ट्री इंडस्ट्रीट सेलफल्ड है तो ठीक है तो आप मुझे कुछ ऐसे ही यूज केसेस बता सकते हो ब्लॉस्टन के अपार्ट फ्रॉम द बिटकॉइन इथीरियम अगर आप इन जनरल टर्म में बताएं मुझे तो बिगेस्ट इज डिसट्रलाइज मनी कि हाँ एक तरीके से सबके पास एक नंबर है, आप okay. है आपके पास अभी आईन है आपके बैंक अकाउंट में मेरे पास आई है दैट इज वन वे वी ट्रैक हाउ रिच वी आर इन वी एक्सचेंज सर्विस बाई पेइंग मनी डूइंग दिस फॉर अ फ्रेश करेंसी श्योर करेंसी हैज़ नो बेस आई हम मानते हैं सब दुनिया में मानते हैं कि आईन की कुछ वैल्यू है बिटकॉइन की जो लोग मानते हैं वही वैल्यू है सिमिलर टू गोल्ड तो श्योर इट इज इट डज नॉट हैव एन इनहेरेंट वैल्यू बैकिंग इट बट इट इज अगर इफ समन हैज टू टेक्निकली सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ करेंसी It's sort of the best solution out there. Um, Ethereum is slightly better than Bitcoin, and the use cases it provides you is once you have that money, uh, you can mm -hmm. do a bunch of things with it, like basic well, anything that you can do with. Uh, नॉर्मल फियाट करेंसी फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग या लोन्स लेना mm -hmm. या लोन्स भरना ये सारी चीज़ें तुम इथिरियम पे कर सकते हो बिकॉज इथियम लेट्स यू राइट कोड ऑन टॉप ऑफ इट दैट इज़ वाइट टेक्नोलॉजिकली अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड विच द बिगेस्ट रीजन आई 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 इट मैंने मेरा जो क्वेश्चन था मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम मनी और कहाँ कहाँ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है मैं वो जानना चाहता हूँ तो so, अब मनी तो मेरी ख्याल से मनी तो मेरी ख्याल से इसलिए आया था कि लोगों के साथ थोड़ी एक्साइटमेंट वगैरह बढ़े कि ब्लॉक क्या है बिटकॉइन क्या है

तो वी विल मेक अ डिसेंटलाइज सोशल नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल जिसमें तुम अपना डेटा ओन okay. करते हो अगर तुम ट्विटर से mm -hmm. एक सो दिस प्रोटोकॉल कॉल्ड द लेंस प्रोटोकॉल ठीक है तो अब ये भी okay. कुछ लोग कहते हैं स्कैम है कुछ लोग कहते हैं ट्रू है वॉट आर द डूंग दे आर सेंग कि हम एक ओपन ग्राफ बना रहे हैं ओपन डेटा बेस बना रहे हैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स का उस पर लोग क्लाइंट्स बना सकते हैं तो पीपल कैन बिल्ड फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम ऑन टॉप ऑफ इट द अंडरलाइंग बैक एंड इज ऑन चेन एंड इज ट्रैकेबल तो वो उन्होंने अपने दिमाग में बनाया कुछ लोग यूज़ करें मोस्टली क्लिप्ट वाले लोग यूज़ करें द लॉड ऑफ दीज यूज़ केसेज दैट पीपल से कि हाँ डिसेंट्रलाइज एक्स वाई जी बना दो इट विल बिग आई डोंट नेसेसरली बिलीव इन इट माई मेरा सबसे ज़्यादा इंट्रस्ट स्लैश फैसिनेशन स्लैश वेर आई थिंक द फील्ड विल ग्रो द मोस्ट इज डिसट्रलाइज्ड फाइनेंस सो एवरी थिंग दट यू कैन डू इन फाइनेंस बेसिकली थिंग्स लाइक गोल्डन सेक्स जो चीज़ें करता है uh, या जनरल एच एफ टी कंपनीज चीज़ें करती हैं

एंड दैट वर्क द लॉट ड्यूरिंग द बुल रन कि तुम रीसेंटलाइज फेसबुक बना दो रिसेंटलाइज यूट्यूब बना दो तुम ये वी सी बहुत पैसे दे देंगे ओ यस यस दिस साउस ग्रेट नन ऑफ इट रियली वर्क आउट तो या दैट्स माई करंट चीजे मैं जानना चाहता हूँ कि ये वर्कआउट क्यों नहीं करे क्या ये कह सकता हूँ कि जो अभी हमारी एग्जिटिंग वर्किन टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी स्लो है जो अगर मैं वेब टू पॉइंट वो से कंपेयर करूँ या फिर कुछ और रीजन है इसके पीछे का आई थिंक द मार्केट जस्ट डिट अडेप्टड लोगों ने अपने दिमाग में सोच लिया कि अ डिसेंट्रलाइज फेसबुक इज अ ग्रेट आइडिया इट इज़ इंड पीपल डोंट वॉन्ट टू होल्ड प्राइवेट कीज पीपल डोंट वॉन्ट एसिड्स असोसिएटेड विद दरअन सेन डेटा पीपल डोंट वॉन्ट टू पे फॉर एवरी इंट्रैक्शन तो यू कैन रिली फोर्स द मार्केट इफ द मार्केट वॉन्ट्स फ्री थिंग्स विद एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टॉप ऑफ इट द मार्केट विल गो देर यू कैन बिल्ड प्रोडक्ट्स कि शायद लोग यूज़ करें शायद नहीं कोई यूजकेज निकलेगा तो बहुत स्पेसिफिकलेगा बट हाँ अभी तक तो ये ओके okay, तो मैंने ई वोटिंग के ऊपर काम किया था या इस ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी पर उस पर मुझे लगा कि हाँ इसका यूज़ केस हो सकता है कि जो वोट वगैरह ट्रैक वगैरह करना कि कहाँ से कहाँ गए कोई घपला वगैरह तो नहीं हुआ तो वो यूज़ केस एक मुझे अच्छा लगा पर इन जनरल अगर पब्लिक को बताना हो कि यार ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी उसको थोड़ा अडेप्ट करो अब इन क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करूँ इंडिया के वर्ल्ड में बात करूँ तो शायद प्राइवेसी मेजर लोगों के लिए कंसर्न है ही नहीं जो मैंने आज तक देखा है अगर आप किसी को बोलो कि मैं तुमको सौ रुपये बांटता हूँ और अपना पूरा डेटा मुझे देता हूँ वो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ दे देगा अपना तो इन जनरल पब्लिक को कैसे समझाए कि भाई जो हमारी प्राइवेसी है वो मैटर करती है हमारे लिए क्या यू राइट आई डोंट डों इंडिया मार्केट अबाउट प्राइवेसी एट ऑल तो आई डोंट वेज देर इज समथिंग एल्स लाइक अनोनिमस ट्रांजेक्शन लोगों को कुछ चीज़ों के लिए करनी पसंद है यू कुड आर्ग्यू दैट्स इलीगल फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बाई फायर आर्म्स ड्रग्स वट एवर पीपल यूज क्रिप्टो फॉर दैट बिकॉज इट्स लाइक अनोनिमस किसी को नहीं पता वो पैसा कहाँ इट मतलब इट हैपन्स इन फी आट ऑल्सो लोग कैश देते हैं ऐसी चीजों के इन रियल इन द रियल वर्ल्ड कोई कभी गूगल पे ट्रांजेक्शन नहीं करता उसी का इक्विवेलेंट इज डूइंग इट ऑन द लेजर एंड दैट गिव्स यू अनोनिमिटी तो पीपल वॉन्ट प्राइवेसी देर और इफ द लैक पेइंग फॉर पॉन साइड्स वहाँ पे यूनिट ऑफ सम अनोमिटी पीपल वरी अबाउट पुटिंग देर क्रेडिट कार्ड्स देर बट या अदर दैन देट प्राइवेसी डेटा ले जाओ डेटा ले जाओ वहाँ देर ओके okay. तो अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो अभी जो ब्लॉक का जो मार्केट है वो थोड़ा ठंडा हो रखा है आपको क्या लगता है कि ये दोबारा से ऊपर कब जाएगा अब तो मेरे ख्याल से एआई भी आ चुका है तो आपको ऐसा लगता है कि एआई ब्लॉकचेन ब्लॉक कुछ तगड़ा कर सकते हैं इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू जज कब ऊपर जाएगा या ऊपर जाएगा भी कि नहीं इट कुड गो डाउन टू शिट नो वन एंड यूजुअली इट्स रन इन साइकिल्स सिंस 2013 टू नाउ बट इट्स ओनली अ 10 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी सो यू डोंट नो कि कब ऊपर जाएगा कब इफ आई कुड प्रेडिक्ट दैट आई वुड बी वेरी रिच आई वुड लाइक यू नो ट्रेड

I don't see an immediate use case. I can see a few actually. Transactions को समझना बहुत मुश्किल है on the blockchain. Mm -hmm. AI can understand data mm -hmm. very well, so maybe it can help you. You can mm -hmm. मैं ये सब मैं सोच जो मेरे दिमाग में idea थे वो ही मैं बता रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ. तो you can sort of create a parser. के हाँ. Okay. AI understands it. Uh, एक ही हाँ. बताओ बताओ. एक ये न्यूज़ होता है कि जो जब हम AI को train करते हैं जो data हम उसको provide कर रहे हैं वो क्यों ना blockchain के through जाए जाए मतलब उसकी authenticity बढ़ सकती है. Hmm. sounds sounds like like a very futuristic, very futuristic, VC ready idea. Frankly, you can raise money on it. <laughs> uh, but again, these are those ideas which have like 1 probability of working, um, but yeah, when they work, they they work out really big. Okay, तो ये काफी लोग हैं जो blockchain को स्कैम कहते हैं कुछ स्टेटमेंट मैंने सुनी थी कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तो वकील बनाता है इंजीनियर क्यों बनाए तो ऐसे जो stands होते हैं उसमें आपकी क्या take रहती है मैं जानना चाहता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वकील नहीं लिखते मैं ही लिखता हूँ बेसिस तो मुझे पता है मेरे लिए भी ऐसे तो आप वकील हैं नहीं द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सॉर्ट ऑफ इज वर्ड्स मिस अप्रोप्रिएटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लिखा था इनिशियली इथीरियम नेम्ड इट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दे कुड हैव नेम्ड इट प्रोग्राम्स तो हाँ वो जिसने भी बोला है जो भी बोला है ये बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया इस चीज़ को आई डोंट थिंक अ लॉयर वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड और इवन राइट एनी कोड On a smart contract, it's, it's only तो अभी जो अभी डेवलपर की हायरिंग चल रही है जो ब्लॉक चेन डेवलपर की हायरिंग होती है मैंने अभी इंडिया में भी देखा था हैदराबाद में कुछ हायरिंग हो रही थी लेकिन उनका जो पे स्केल था काफ़ी लो था तो आप बता सकते कि, कि किस लेवल से कहाँ तक का पे स्केल एक बच्चा हासिल कर सकता है और उसके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे मिले उस बच्चे को आई थिंक एक तो उधर सैलरी वही रहेगी जो नॉर्मल मार्केट में है द इज नो रियल वेब थ्री तुमने कुछ एक्सपर्टीज अपनी वेब थ्री में नहीं गेम की है तो जो तुम्हें नॉर्मल कंपनी मिल रहा है स्विगी फ्लिपकार्ट इन सब में वही तुम्हें वेब थ्री कंपनी मिल जाएगा इफ यू आर अ स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर इफ यू अंडरस्टैंड ब्लॉक चीन वेल इफ यू कैन राइट एम वी बॉट्स और लाइक थिंग्स दैट मेक पीपल मनी इफ यू नो अ वेरी नीच थिंग यू नो सोलिटी वेरी वेल देन यू कैन दर इज नो रियल लिमिट टू हाउ मच यूकन रेज सॉरी हाउ मच चार्ज बट एस दर इज अ लिमिट दो टू हंड्रेड के थ्री हंड्रेड के यू एस उससे ज्यादा तो, तो तुम्हें इंडिया से मुश्किल को ही कोई देगा इफ इफ यू थिंक यूर वर्थ मोर देन देट प्रॉबली जस्ट रेज मनी एंड स्टार्ट अ कंपनी सीलिंग एसिंग थ्री हंड्रेड के अगर कोई बिगनर है उनके मन में काफ़ी ये डाउट रहते हैं कि ब्लॉक चेन सीखने से पहले क्या उन्होंने पहले वेब डेवलपमेंट वगैरह अच्छे से आना चाहिए क्या वो डायरेक्टली जम्प कर सकता है ब्लॉक चेन के ऊपर अगर उसे सीखना है तो आपका क्या डेगा आई थिंक मोस्ट पीपल यू शूड स्टार्ट विद वेब डेव और फिर तुम्हें मूव करना चाहिए रीज़न इट्स वही कि वो चीज़ थोड़ी सिंपल है यूज ऑर्ड ऑफ अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस बेसिक प्रमिटिव वर्सेस तुम सीधा ब्लॉक में घुस जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा बट फॉर सम प्रॉडीज सम पीपल और एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने पी एच डी करिए इन क्रिप्टो लाइक नॉट क्रिप्टो करेंसीजन बट लाइक सिक्योरिटी तो उन्होंने उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट था उन्होंने तो अगर मैं जानना चाहूँ कि आपने ब्लॉग चेन के बारे में कहाँ से सीखा मतलब मेरे को जिस टाइम अगर मैं अभी भी बात करूँ जब मैं डेढ़ दो साल पहले सीख रहा था hmm. तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं मिले और मिले भी तो काफ़ी अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूँ तो मैंने काफ़ी ऐसे रिसोर्सेस देखे जिनमें थोड़ा गलत भी पढ़ाया गया मतलब अगर मैं इंडियन यूट्यूबर की बात करूँ पर उन्होंने कोशिश अच्छी करी है कि उन्होंने पढ़ाया है थोड़ा नॉलेज वगैरह दी है तो बच्चा एक बच्चे को एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कहीं है नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ें आप यहाँ जाओ पढ़ लो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है तब जाके तुम कुछ अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हो तो आपने कैसे सीखा था मैं आपका जानना चाहता हूँ हाँ आई थिंक द गुड थिंग अबाउट क्रिप्टो इज अलॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी ओपन सोर्स कोई भी तुम्हारी प्रोटोकॉल यूज नहीं करेगा अगर तुमने अपना कोड प्राइवेट रखा हुआ है एंड इफ यू आर डिप्लॉंग ऑन द ब्लॉक चेन एनी वेस पीपल कैन सी योर कोड रिवर्स इंजीनियर इट तो द गुड थिंग दर इज मोस्ट कंपनीज ओपन सोर्स दर कोड तो तुम जाके कोड एक्चुअली पढ़ सकते हो कंपनीज का रादर दैन यू नो बिल्डिंग रैंडम प्रोजेक्ट्स इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट टू बिल्ड रैंडम प्रोजेक्ट्स बट इवेंचुअली द बेस्ट प्लेस आई लर्न ट वॉज के सोलाना इज़ अ ब्लॉक चेन एंड दे हैव सम वेरी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ कोर सोलाना वो सारे ओपन सोच है मैं जा जाकर पढ़ता था एंड वहीं से मैंने रस्वी सीखी वहीं से मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जनरल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन ट्रांसफर्स लोनिंग ये सब चीज़ें सीखी तो बेस्ट प्लेस टू लर्न इज बेसिकली गिट हप ओके ये मतलब गेट में आप अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाओ वहाँ पे ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करो कंट्रीब्यूट नहीं अभी करो पर वहाँ से सीखने की कोशिश करो इन जनरल अगर एक और टर्मोलॉजी आई थी एन नाम की वो क्या है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ एन है क्या सो टेक्निकली इट्स इट्स जस्ट लाइक अ टोकन जैसे बिटकॉइन एक टोकन है बट यू कैन ओन लाइक पॉइंट वन यू कैन ओन पॉइंट जीरो जीरो वन बिटकॉइन Uh, the tokens that okay. can't be broken down are called NFTs or like non-fungible tokens mm -hmm. because you can't you can't ever own mm -hmm. point 0.1 of some let's say a board ape or like some NFT. You have only one. So, mm -hmm. okay. The, the, that's so it's effectively a token only. There's a lot of hype. A lot of things happen. <laughs> a lot of NFT projects became very okay. rich. Uh, so, okay. ignoring that, it's a decent technology for you to own sort of an asset completely in the real world. For example, if you थेरेटिकली इफ इफ हाउस इज वर्क पुट ऑन चेन कि हाँ ब्लॉक चेन पे जो ओन करता है उस घर को वो रियलमी में भी ओन करता है mm -hmm. तो ही विल हैव वन टोकन राइट ही वोंट हैव लाइक पॉइंट आई वॉन्ट पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट ऑफ दिस हाउस यू विल ओन द होल हाउस सो इट वे फॉर यू टू ओन फुल एसेट्स तो दैट्स द टेक्निकल टर्म ऑल दो दिस इज नवर टॉट एवरी वन सॉर्ट ऑफ रन बिहाइंड मनी एंड वो एकदम हाई पाई तो हाँ आप उसे सहमत करते थे कि कोई बंदर का एन एफ टी क्रिएट कर रहा था वो दस हज़ार डॉलर बीस हज़ार डॉलर उसके पीछे का लॉजिक क्या था क्या वो टोटली स्कैम था या फिर उसके पीछे कुछ लॉजिक था क्योंकि मुझे वो पर्सनली खुद कभी समझ नहीं आया वो चीज़ें तो दैट इज अ गुड क्वेश्चन वो चीज़ बहुत लोगों को नहीं समझ आई मुझे समझ आती है एंड आई एम गोइंग टू से वेरी क्रिप्टो थिंग नाउ कि मुझे समझ आती है फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा बट आई गिव यू अ गिवे एग्जाम्पल तो वॉट इज डू यू अ हाउस यू बाय हाउस कि तुम्हें वहाँ रहना है या तुम्हें कुछ यूटिलिटी मिलती है उससे राइट दैट इज वाई द हाउस होल्ड्स सम वैल्यू एंड देर इज सप्लाई डिमांड उसके बेसिस पर उसका प्राइस डिसाइड होता है वॉट इफ देर वॉज अनदर एसेट क्रिएटेड इन विच दिस केस यू साइड मंकी इमेज वॉट इफ यू नो कि हाँ दिस हैज सम्यूचर वैल्यू

यू you नो know, uh, जो अगर तुम्हें तो लिस्ट करना है एक्चुअल में अपनी कंपनी को ऑन एन एस सी और द यू एस स्टॉक मार्केट यू आर टू डो ऑफ़ थिंग्स दिस इज नॉट नेसेसरली अ गुड थिंग द प्रॉब्लम दैट कम्स हियर इज के लॉट ऑफ नाइफ़ पीपल बाय दीज स्टॉक्स और दीज एनएफ्टीज एंड देर इज अ रीजन के ती रेगुलेटेड है ये फील्ड कि स्टॉक्स कोई भी अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं कर सकता तो देर आर प्रोज एंड कॉन्स आई सी बिलीव अ लॉट इन इट रिसेंट चंक ऑफ माई पोर्टफोलियो इज एन एफ टीज एंड मंकी तो

अपने जनरल डाउट ही पूछ रहा हूँ कैस में ऐसा डर नहीं रहता कि यार अगर मैं किसी इमेज की बात करूँ और कोई और उसकी वैल्यू नहीं कर रहा hmm. ऐसा भी नहीं हो सकता एन एफ टी के अंदर क्योंकि बिटकॉइन तो ऐसा कि बिटकॉइन बहुत सारे हैं वो सबके पास हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बनी जाएगी लेकिन एक पर्टिकुलर कोई इमेज है वो आप ही ओन कर रहे हो और इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं यार इसके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है बहुत सारे लोग कहें तो वो डर नहीं रहता इट्स सिमिलर टू अदर एसेट्स दैट आर नॉट करेंसीज राइट अब तुम किसी छोटी सिटी टी एर टू सिटी के जाके किसी कोने की सोसाइटी देख लो जहाँ पे मान लो सौ घर हैं तो यू कूड आर्ग्यू कि हाँ नो वन वांट्स दिस हंड्रेड हाउसेज राइट बट समन वांट्स इट विच इज बाय दर इज अ प्राइस एसोसिएटेड विद इट वी आर वॉन्ट पीपल हैच मीन्स एक इमेज जो सिक्सटी नाइन मिलियन डॉलर्स में भी खरीदी गई अब उस बंदे को क्या वैल्यू मिली पता नहीं बट जिसने बेची उसका तो फायदा हो गया ना यार तो अब तो दिस इज

और सलाना uh, होता है या बिटकॉइन होता है वैसे एक टोकन है जिसका अच्छा, नाम उसका नाम है उस टोकन का नाम है यू ओके द गुड थिंग अबाउट दैट टोकन इज इट इज़ ऑलवेज पैक्ड टू द डॉलर मतलब तुम्हें अगर इंडिया से डॉलर okay. खरीदने हैं या तो तुम okay. कैसे खरीदते हो इफ़ यू वॉन्ट फर्स्टली तुम्हें इंडिया से डॉलर क्यों खरीदने तुम्हें अपने द रीजन इज़ के इंडियन रुपी बहुत गंदा डिप्रिशिएट करता है नीचे जाता है उसकी वैल्यू mm -hmm. तो यू माइट वॉन्ट कि मैं अपना mm -hmm. पैसा यू डॉलर में रखूँ इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ इट इट्स यू कैन ओनली टेक आउट सम अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर दिस इज़ फ्रैंकली मुझे बिगेस्ट यूज केस ब्लॉक्च का इस टाइम पे स्टेबल कॉइन्स लगता है स्टेबल कॉइंस आर दीज टू द डॉलर तो मैं इंडिया में बैठ okay. के वन मिलियन यू होल्ड कर सकता हूँ और मेरे को कोई बैंक mm -hmm. अकाउंट नहीं चाहिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए

तो मैं पाँच परसेंट टी डी एस दूंगा अगेन आई एम नॉट श्योर हाउ लीगल दिस इज वट एवर आई एम सींग प्रॉबली प्रॉब्लम इन हाउ लीगल और वट एवर बट दीज आर मिनी यूज केसेज धीरे धीरे करके पॉपुलेट होंगे दैन इवेंचुअली आई थिंक होपफुली द फील्ड ग्रोज हाँ यू एच डी का नाम मैंने सॉरी सुना था मैं उसको समझ नहीं पाया था अगर अब हाँ जो एक जनरल चीज़ होती है कि इंडिया ने जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन दिए हैं अगर मैं आज से डेढ़ दो साल पहले जब मैंने क्रिप्टो करेंसी वगैरह बाई करी थी मैंने उसी टाइम पे करी थी उसके बाद मैं नहीं करवाया था तो उस टाइम पे ऐसा था कि ना अगर मैं वजीर एक्स आपने ऐप का नाम सुना ही होगा जो इंडियन है उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी कि आप एक दिन में सिर्फ पाँच हजार रुपये अपने अकाउंट में डाल सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं डाल सकते वो यूपीआई सपोर्ट नहीं है सिर्फ क्रेडिट कार्ड सपोर्ट है इस टाइप की चीजें वहाँ मैंने बहुत देखी तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऊपर से थर्टी का रूल भी लिया है कि अगर आप जितना भी पैसा उससे कमाते हो आपको इतना टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ेगा तो अगर किसी को सच में अगर उसको एक ट्रेडर की ओर जाना है या उसको बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज भी है तो किस टाइप से इस फील्ड में जा सकता है और अगर उसको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी भी है तो कैसे खरीद सकता है मेन क्वेश्चन हुआ है तो कैसे खरीद सकते हो इंडिया में एज यू नो नो आर लॉज इन इंडिया यूएस में फिर भी है इंडिया में तो है ही नहीं आम, हा, हा. तो नहीं नहीं एक थर्टी का लॉ आया था अभी जो फै हाँ थर्टी आपको देना पड़ेगा जितना भी आपका प्रॉफिट होगा और उस स्टॉक मार्केट से तो काफ़ी अलग है कि आप अपना जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ने, नेक्स्ट ईयर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं गवर्नमेंट ने या बट सो द थिंग इज नो एक्सचेंज इज सॉर्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग दैट अगर तुम जीरोधा पे ट्रेड करते हो तो तुम प्रॉफिट्स वो तुम्हारे प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं गवर्नमेंट कहती है कि तुमने प्रॉफिट बनाया मुझे दस परसेंट दो दे टोल्ड एक्सचेंजेस टू डू इट नो नो एक्सचेंज इज सॉट ऑफ फॉलोइंग इट राइट नाउ तो वी नीड वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन इंडिया इट वुड बी GREAT ग्रेट इफ इट कम्स फ्रैंकली एंड दर सम क्लैरिटी तुम पचास परसेंट टैक्स डाल दो बट क्लैरिटी दो कि हाँ इंडिया से क्रिप्टोकरेंसी खरीदनी है पचास परसेंट टैक्स होगा सो पीपल कैन पिक इन चूज उनको खरीदने कि नहीं उसके बाद करंटली द वे टू डू इट इज़ यू पी आई यू पी आई नहीं हो सकता यू कैन ट्राई बट मोस्ट एंग एनी एक्सचेंज हैज यू पी आई सपोर्ट और इवन डेबिट कार्ड सपोर्ट दी डी डू इट फ्राम इंडिया इज थ्रू पी टू पी पी टू पी बेसिकली मीन्स सम वन होल्ड्स इथीरियम और तुम उसको पर्सनली ट्रांसफर करते हो वो तुम्हें देते एंड देर फ्यू मार्केट प्लेसेस जहाँ पे तुम ऐसा कर सकते हो इट इज़ वेरी अनसेफ बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट दी अदर पार्टी तुम उनको दे देते हो फिर वो बाद में क्लियर करते हैं तुम्हारा तो हो सकता है वो ना भी करें पर मैंने जितना भी पैसा कन्वर्ट किया एक भी बार ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई है मेरी मेरी तरफ से एक बार प्रॉब्लम आई थी मैंने गलत यू पी आई डी पर भेज दिया था बट इट oh. so okay. in और एक वॉल्ट आपका अपने ऐप का नाम सुना होगा जो 12 परसेंट रेवन्यू दे रहा था मतलब इंटरेस्ट आपको दे रहा था जो कि आप कमाओगे और एट दैन शायद वो स्कैम ही निकला वो पूरा बैंक क्रैप्ट वगैरह हो गए तो जब बड़े बड़े इन्फ्लुंसर होते हैं वो इन ऐप को प्रमोट करते हैं उन्हें भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है उस कंपनी के अंदर तो इंसान कैसे इन्वेस्ट करे क्योंकि right. वर्ल्ड का नाम काफ़ी फटा था कि बारह परसेंट इंटरेस्ट रेट अगर आप इंडिया में 6 परसेंट एफडी में मिलता है आप कहोगे कि यार मैं तुमको बिटकॉइन में बारह परसेंट दूंगा उसके बाद जितना प्रॉफिट तुम बना रहे हो वो भी तुम्हारा hmm. तो उससे बचेगा ट्रू फॉर क्रिप्टो इफ एनी वन इज प्रो यू रिटर्न जो बहुत अजीब ही लग रहे हैं या साउंड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व परसेंट यू शूड अंडरस्टैंड वेयर दैट रिटर्न इज कमिंग फ्रॉम इन केस ऑफ बुल बुल बुलर में ऐसा होता है कि इवन बैंक्स फेल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस नहीं फेल करते हैं डोंट हैव योर मनी टू रिटर्न यदर दिस हैपन यू एस रिसेंटली एस वी बी करके एक बैंक था बहुत बड़ा बैंक था दे डि मच डिड द सेम थिंग वो यूजर्स का पैसे लेकर ट्रेड कर रहे थे mm. दैट्स वाट दिस अर एक्सचेंजेसो ट्राई और दिस स्पेक्यूलेटेड कि वो यूजर्स के पैसे से ट्रेड करने लगे एंड दे अ बंच ऑफ लॉसिस एंड दे रिटर्न दम फ्रंडस तो यू शुड डू योर ओन रिसर्च यू शुड नॉट फॉलो इन्फ्लुएंसर्स जनरली ट्राई टू बेसिकली हैव अ वेरी ट्रस्ट तभी मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में दर लॉड ऑफ रेगुलेशन नीडेड देर आर वेरी गुड एक्सचेंजेस दट आर नीडेड एंड वेन दीज टू थिंग्स कम टुगेदर इंडिया में एक बार सेफ्टी आ जाए अगर तुम्हें खरीदना फ्रैंकली फॉर अस फॉर स्टूडेंट्स ऑन दिस चैन Don't worry about prices or how to buy, just focus on writing co smart contracts and you'll make money. But okay. if you want to know okay, how to hold and wo government will have to step in. A good exchange will have to come to India. Only then I would suggest you sort of put your money in someone else's hand, which means a centralized exchange. Otherwise, you can always own your cryptocurrency yourself in प्राइवेट uh, मैंने एक चीज देखी जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं उसमें एक थोड़ी चुल होती है क्विक मनी क्विक मनी कि यार अगर मेरा पाँच हज़ार है इसका फटाफट से एक लाख बन जाए तो के ऊपर रहता है तो आप कॉलेज स्टूडेंट को क्या राय देना चाहोगे की वो क्विक मनी का रास्ता क्या हो सकता है जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए या फिर कोई, कोई ऐसे स्किल्स वो डेवलप करे जिससे पैसा वो बना पाएगा खासा आई मिन कॉलेज में तो पैसा होता नहीं था तो पैसे से पैसे को ग्रो करने का तो कोई तरीका था नहीं तुम दो सौ रुपये कहीं लगाओगे तो वो कितना भी बढ़ जाए दो सौ हज़ार हो जाएंगे उस वक्त नेटवर्क तो बनेंगे नहीं

तो आपको लगता है कि ये कल्चर इंडिया में आएगा कि जब सारे जो प्रोफेसर हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा जो yes. इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो घबराए है ना कि yes. यार मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ कि मैं वेटर की जॉब कर रहा हूँ या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम या आई थिंक हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडियाज आर मूविंग टू द यू एस एंड देर सींग दिस कल्चर एंड ऑल्सो देर द वन ओर वर्किंग एज वेटर्स इन कैनेडा इन द यू एस तो दे अंडरस्टैंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो जब वो लोग इंडिया आएंगे कभी या उनका डायोर्स को बढ़ेगा उनके बच्चे होंगे तो दे आई एम श्योर रिस्पेक्ट इंडिया में श्योर दैट्स नॉट द कल्चर एट नाउ दैट सम जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे अमेजन हो गई गूगल हो गई माइक्रोसॉफ्ट हो गया जो हमारे डेटा के साथ जनरली खेलते ही हैं क्योंकि उससे उन्होंने रेवेन्यू वगैरह जनरेट करना है अगर अभी हम बात भी कर रहे हैं इसमें तो शायद ये डेटा भी कहीं ना जा कहीं जाके सेव हो रहा होगा इससे भी कुछ ना कुछ, कुछ निकाल ही लेंगे राइट right. तो, तो वो चाहते तो हैं तो... कि ब्लॉक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट ना हो क्योंकि उससे एक एक यूज़र के एक पावर आ जाएगी राइट right. तो आपको इस बात से आप कितना सहमत करते हैं उनकी सारी तुम जब आई एक्सेप्ट क्लिक करते हो तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि हाँ डेटा यूज करो तो वी सॉट ऑफ गेट अराउंड दिस और लाइक अगर तुम्हें लगता है ये चीज़ गलत है कुछ लोगों को नहीं लगता फ्रैंकली यू आर नॉट पेइंग गूगल मीट तुम गूगल मीट को पे कर दो डेटा नहीं यूज डेटा यूज कर लो कोई बात नहीं तो आई थिंक अ चॉइस जब ब्लॉकचेन अगर अगर पावरफुल होने लगी तो दे रियलाइज कि हाँ नो इट्स टाइम फॉर टू गिव अ चॉइस आई दर पे अस बिकॉज ब्लॉकचेन में भी तुम पे तो करोगे ही वी हैव अ डिसेंट्रलाइज यूट्यूब गूगल मीट जो तुम्हारा डेटा यूज नहीं कर रहा है यू विल हैव टू पे फॉर दिस अवर्स टू नैट तो आई थिंक इवेंचुअली दे विल कम अ पॉइंट इफ ब्लॉक चेन बिकम्स पावरफुल एंड देन दिस प्लेटफॉर्म्स कम अपीसेंट्रलाइज गूगल मीट और मट दैन द सेंट्रलाइज जाइ ऑल्सो हैव टू गिव द यूजर एटलीस्ट द चॉइस टू पे तो अब मैं थोड़ा एक ब्लॉक चेन से हट के कुछ और थोड़ा जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा आपको काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं तो हर हरक्रियत का क्या टेक होता है कि वो कैसे किसी चीज़ को सीखते हैं मतलब मैंने आपको देखा कि आपको ए भी आता है ब्लॉक भी आता है वेब डेवलपमेंट भी आता है ऐसी बहुत सारी डी वगैरह आता है तो आप सीखते कैसे मतलब इतनी सारी चीज़ें और इन सब चीज़ को हैंडल वो भी जॉब के साथ कैसे कर पाते हैं आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन मोस्टली मेरी इनहेरेंट मोटिवेशन बहुत हाई रही थी कुछ नया सीखनेस अबाउटी ब्लॉक चेन आज का लेटेस्ट ए आई मुझे बस जानना होता है okay. कि कैसे हो रहा है आई थिंक दर इज समल्सो आई थिंक द वर्ल्ड मॉज वेरी फास्ट इन टेक्नोलॉजी अब लग रहा है कि ए आई आके सभी जॉब वॉट एवर फुल बिकम लाइक एन ऑफ्सरिट रोल वॉट एवर तो मुझे जानना है कि वो ऐसा क्या कर रहा है इंटरनली विच वाई स्पेंड माई टाइम वे

क्या ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई एक बार डेवलपमेंट कर लिया है, तो उसके बाद मुझे जब मैं दूसरी बार कोई और टेक्नोलॉजी मान लो मैंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया अब इन फ्यूचर अगर मुझे ब्लॉकचेन सीखना है तो, तो मेरे आसान होगा ब्लॉकचेन सीखना क्योंकि मुझे पता है कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है या yeah, बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं जैसे बहुत अजीब सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे फुल में एक चीज़ होती है वेयर आर समथिंग आई नो एंड देन आई रिसेंटली रिसे लर्निंग सॉलिडिटी अगेन तो वहाँ मैंने देखा एक्जैक्टली वहाँ उसका नाम कुछ और उसका नाम मान लो ट्रैक्टर्स है बट चीज़ एग्जैक्टली वही है तो हाँ ऐसा होगा तुम बहुत इजिली रिलेट कर पाओगे तुम्हारा ना लर्निंग का थोड़ा स्टीप हो जाएगा नई टेक्नोलॉजी में इफ यू ऑलरेडी कोडेड तुम्हें यूड पता हो तुम्हें पता होगा फंक्शन क्या होता होता है है वेरिएबल क्या फ्लाना का तो इट डज हेल्प तो लास्ट में मैं जो आपको एक जो आइडियल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक आइडियल मैप क्या हो सकता है ब्लॉकचेन को सीखने का जो इन फ्यूचर बच्चे सीखना चाहते हैं क्या उन्हें सीखना भी चाहिए नहीं सीखना चाहिए और जो दूसरा क्वेश्चन इसका जो फॉलोअप होगा क्या एआई हमारे लिए थ्रेट है क्योंकि काफी डेवलपर इसे नेगलेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है ठीक है है कुछ कह रहे हैं कि तो आपका इसमें दोनों दोनों अलग आपसे आंसर चाहिए आई थिंक फर्स्ट थिंग इफ यू करंटली चूजिंग कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं सीखू आई वुड गो विद राइट नाउ बिकॉज उसकी हाइप ah. है उधर पैसा ज्यादा होगा इट विल बी इजी टू गेट हायर एट बट इफ यू वॉन्ट टू चूज वेब थ्री तो फिर द रोड मैप इज स्टार्ट टू फर्स्ट इंटरेक्ट विद द ब्लॉक चेन विच मीन तुम सिंपल वेबसाइट्स बनाओ जो एक्जिस्टिंग ब्लॉक चेन से ट्रांजेक्शन निकाल रही है बैलेंसेज निकाल रही है इवेंचुअली स्टार्ट राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रीडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट्स कॉन्ट्रैक्ट दैट्सों

कुना तेज़ी से बना पा रहा है वेबसाइट तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विल इंक्रीज़ कॉम्पटिशन बढ़ेगा तो आई थिंक ओनली गुड थिंग्स विल हैपन एनी फिर अ स्टूडेंट और लाइक लिस्ट टू द पॉडकास्ट जस्ट डोंट बी फेस्ड बाय वट एवर इज हैपनिंग तुम अपने काम पर फोकस करो ये साइकिल आती है जाती है सारी mm. दुनिया में रूमर्स आते हैं हर बार आते हैं मतलब एक बार नहीं बीच में वो आया था वॉज दट कॉल्ड नो कोड टूल्स आया था मैडम बस आया था तो ऐसी चीजें आती हैं जो दट सीम लाइक अ थ्रेट बट देर रियली नॉट इफ इट वर्क आउट दो दो री केसेज हैं एक तो आई नॉट वर्क आउट फैट एंड देन पीपल स्टिल कोड विदाउट आई डोंट थिंक दट हैपन बट इफ दट है गुड सेकंड थिंग एज आई बिकम्स रियली पावरफुल इट इज एबल टू कोड वेबसाइट्स तो यू यूज इट इफेक्टिवली इफ इट बिकम्स एक्सट्रीमली पावरफुल के, hmm. yeah. hmm. really yeah. so के हाँ हम सबकी जॉब ले जाएगा फैन हमारा तो ठीक है सबकी जाएंगे भाई वील फिक आउट हाँ ये वाला आपका बहुत मुझे सही लगा पॉइंट कि हमें ना एफर्ट hmm. मारते रहना चाहिए क्योंकि फ्यूचर अभी किसी ने भी प्रेरित नहीं किया क्या हो सकता है अब हम मैं फ्यूचर के बारे में सोचूँ कि ये yeah. होगा वो होगा अभी बिल्कुल मेहनत yeah. ना करूँ बैठा रहूँ yeah. कि चलो जो होगा देखा जाएगा तो वाला चीज़ भी एक तरीके से सही नहीं होता तो लास्ट वर्ड जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप उनको कुछ मोटिवेशन कुछ देना चाहें आई थिंक यू आर वॉचिंग द वीडियो जस्ट फॉर लाइक कि नौकरी चाहिए वाली विच इज़ लाइक नाइनटी परसेंट ऑफ पीपल हु कम टू यू जस्ट डोंट बी फेस्ड वाई द नॉइज फोकस ऑन डी एस एफ अ कॉलेज स्टूडेंट बिकॉज दट पैनमाउंट इम्पॉर्टेंस वैन यर गेटिंग जॉब्स इवन टुडे इवन आफ्टर ए आई इज योर आफ्टर योर डन दट मी बी गेन टू फुल स्टैक आफ्टर डन दैट यू वॉन्ट टू गेन्न टू आई वट एवर बट कीप अ सॉलिड फाउंडेशन एंड जस्ट फोकस ऑन एक वो अर्जुन की आंख पकड़ के चलते रहो डोंट वरी अबाउट के हाँ आई आई में क्या हो रहा है ये थिंग्स विल वर्कआउट ओके okay. तो यार थैंक यू सो मच हरकीरत भाई रहा मैंने मैंने खुद वगैरह के बारे में रिलेटेड का आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी हरकीरत भाई को आप ऑलरेडी ही हैं तो उनका चैनल का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दूंगा तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय